अरे आज ये तो ऐलान होंगे क्या हाल साहब से। दो गांव की है, 37 बीस बीस तो है दो गांव में। अरे जी स्वेच्छा अनुसार गाय वितरण की जा रही है। इन गाँव के प्रधानों का खान पान की पूरी व्यवस्था और उनके मेडिकल की पूरी व्यवस्था हम सब ग्राम प्रधानों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जरूर है, उनका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है कि वो स्वेच्छा से गायों को ले जा रहे हैं उनके रहने के लिए। हमने ये कहा है कि मनरेगा से आप जो है सुरक्षा खाएं खुदवा लीजिए, बनवा लीजिए। अगर पेयजल की व्यवस्था संभव है तो छोटे तालाब खुदवा दीजिए, एक बरसात में पानी भर जाएगा तब भी वो, क्योंकि एक अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। तो हमारे प्रधान लोग उत्साह के साथ जो है ग्राम पंचायतों में गायों को ले जा रहे हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। प्रधानों को सरकारी मदद भी मिल रही है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की? ग्राम प्रधानों को सरकारी मदद मनरेगा के धनराज से मिल रही है कि सुरक्षा खाए खुदवाना, उनको गायों को सुरक्षित एक स्थान पर एकत्र करके रखना, उनके लिए चराई की व्यवस्था कराना। बाकी ग्राम पंचायतें जो प्रधान जी लोगों ने कहा है कि वो अपने ग्रामवासियों के सहयोग से उनके चारे आग की व्यवस्था करेंगे, वहाँ को एक रोक लगाएंगे, तो गायों को चराएंगे, उनको पानी पिलाएंगे, ये उनका काम है। अभी अपने यहाँ से गाय जा रही है प्रधानों के यहाँ वितरण की जा रही है, ये अभियान कितने गाँव के प्रधानों ने हिस्सा लिया? ये पहली बात तो वितरण नहीं किया जा रहा है, कुछ ग्राम के प्रधान जैसे रोहन ब्लॉक और राठ ब्लॉक के कुछ प्रधानों ने, अभी आज तो रोहन ब्लॉक के आए हुए हैं जिसमें SDM साहब सरीला और DC मनरेगा जो रोहन ब्लॉक के समय खंड विकास अधिकारी का भी इंचार्ज थे, तो हम सब लोगों ने एक आह्वान किया था कि अगर ग्राम प्रधान कुछ गाय पालना चाहे, संकल्प लेना चाहे, कुछ लोग की इच्छा थी तो ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा गाय होंगी। तो करीब 20-22 रोहन ब्लॉक के और 22-23 राठ ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने कुछ गायों को पालने का संकल्प लिया कि हम अपनी अभिरक्षा में इनको रखेंगे और हम पालेंगे, सेवा की भावना से। ये बहुत अच्छी बात है प्रधानों की ओर से अन्य गायों को देख रेख के लिए। ग्राम स्तर पर किसान या प्रधान नहीं आगे आएंगे तब तक इस समस्या का निदान संभव ही नहीं है। ये प्रधानों के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है, इसकी हम सभी सराहना करते हैं।